Hello and welcome back to our another podcast video. In this video, we will be having a brief discussion regarding how IFRS course will be beneficial towards BCOM students. At India's one of the most leading faculty, C.A. Shami Saluja Sir, will guide us. So let's welcome him. Thank Hello, you. sir. Thank you, सर आज हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे ये जानना चाहती है कि जो हमारा आई एफ आर एस कोर्स है वो हमारे बी कॉम स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है सो निकिता देखिए आपने बोला आई एफ आर एस बी कॉम स्टूडेंट को किस तरीके से हेल्प कर सबसे पहले आप समझिए कि जो बी कॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अपनी जो भी ग्रेजुएशन में स्टडी की है वो कहीं ना कहीं आज उनके लिए आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि आज वर्ल्ड आईएफआरएस के बेसिस पर ही अपनी सारी अकाउंटिंग कर रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया ने भी आईएफआरएस को अडॉप्ट कर लिया है जिसका कन्वर्ट फॉर्म है इंड एस तो अगर एक बीकॉम स्टूडेंट अपडेटेड नॉलेज रखेगा स्पेसिफिकली अकाउंटिंग की फील्ड में तो उसके हायरिंग के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया के हर बीकॉम स्टूडेंट को आईएफआरएस का नॉलेज होना चाहिए जहां बीकॉम स्टूडेंट एज ए फ्रेशर ट्वेंटी थाउजेंड की जॉब के लिए भी स्ट्रगल करते हैं वहीं आई एफ आर एस के सर्टिफिकेशन को अगर वो ऑप्टेन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर थर्टी थाउजेंड आपकी वेरी इजीली हो सकती है तो एक जॉब में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है दूसरा आपके पास जो नॉलेज होगा वो इंडस्ट्री ओरियंट होने वाला है क्योंकि वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है आज इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो जितनी भी एमएनसीज हैं उनकी बेसिकली अकाउंटिंग होती है आईएफआरएस आईएफआरएस तो आई क्या है आई एफ आर एस तो आई एफ आर एस क्या है इंटरनेशनल मतलब फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है ना वो भी आई के बेसिस पे होती है तो आपको आउटडेटेड नहीं रहना है नहीं तो आप केवल किसी डोमेस्टिक कंपनी में सीमित रह जाएंगे और आप कभी भी एक वैल्यू एडेड पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे दैट्स वाई मैं कहूंगा

और एक कंपनी अकाउंटिंग पढ़ते हैं मतलब ओवरऑल दो अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आईएफआरएस अगर आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा तो आप एक आईएफआरएस के प्रोफेशनल बन जाएंगे और सबसे अच्छी बात आपको जो आईएफआरएस का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला एसीसीए की गवर्निंग बॉडी के तो जब एसीसीए का ब्रांड नेम आपके पास एक टैग नेम आपके पास है कि आप एक सर्टिफाइड आईएफआरएस प्रोफेशनल हैं तो फिर एक सीए इंटर स्टूडेंट जो कि सीए नहीं क्रैक पर कर पा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या है MNC's में अच्छी जॉब को अचीव कर सकता है उसको सीएफएम में जॉब नहीं करना पड़ेगा देखिए में तो आप का, का काम कर रहे हैं जीएसटी के रिटर्न फाइल कर रहे हैं सीएफएम कभी भी उतना आपको रेमुनरेशन पे नहीं करेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी काउंट नहीं होगा तो दैट्स वाई सी इंटर स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली मैं आई एफ आर एस एक बहुत अच्छी चॉइस उनके लिए भी हो सकती है Okay, is, like हमारे जो आते हैं, उनको एक यूएस के बीच में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वो करें या यूएस एस चूज करें तो आप हमारे को डिफरेंस अगर दोनों के में बताओ तो क्या होगा सुनिकिता so, देखिए आपने पूछा सर आई और यूएस गैप यूएस गैप क्या है बेसिकली जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो अपने अलग सेट ऑफ रूल फॉलो करती मतलब अगर हम बात करें लाइक अमेजोन के बारे में बात करें हम गूगल फेसबुक जितनी भी अमेरिकन बेस्ड कंपनीज हैं वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस गैप पे बनाती है और अपार्ट फ्रॉम अमेरिका इंक्लूडिंग इंडिया मतलब अमेरिकन कंपनीज को छोड़कर इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो दुबई हो जितना भी वर्ल्ड है वो आई को फॉलो करता है अब इसीलिए आपको जान के हैरानी होगी कि हम आपको केवल आई नहीं बढ़ाते वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट इन द इंडिया हम आपको आई के साथ में यूएस गैप का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अब मान के चलिए अमेजॉन है जैसे अमेजोन तो यूएस बेस्ड कंपनी वो इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में भी कर रही है, तो और इंडिया फॉलो कर रहे हैं और यूएस गैप फॉलो कर रहा है अमेरिका तो जब उनको कंसोलिडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं तो आपके पास अगर आईएफआरएस और यूएस गैप दोनों का नॉलेज होगा तो आपको एक एड ऑन एडवांटेज होगा आप अमेरिकन कंपनीज में भी बहुत इजीली हायर हो जाएंगे और अदर देन अमेरिकन कंपनीज में तो यूएस गैप बेसिकली क्या है अमेरिकन कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाती है उसकी हम आपको क्या करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और व्यूअर्स के लिए मैं बताऊं ये हम एक कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करते हैं मतलब आपको आई की भी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे साथ में हम आपको यूएस गैप तो अगर आपके पास यूएस गैप का नॉलेज हो गया देखिए हमसे ना बहुत सारे कैंडिडेट आउट ऑफ इंडिया भी पढ़ते हैं लाइक स्पेशली मैं गल्फ कंट्रीज की बात कर रहा हूं दुबई है कतर है ओमान है सऊदी अरेबिया है इवन इटली फ्रांस से भी जो ऐसे इंडियन है जब वो वहां जाते हैं तो जॉब के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हैं। तो क्योंकि उनकी स्किल सेट में ना तो आईएफआरएसन होता है ना यूएस तो अगर आप अकाउंटिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं मैं अपने स्टूडेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं यूके में रहता है आज उसका जो पैकेज है आईएफआरएस के एक एग्जाम एक को निकाल के सेवनटी थाउजेंड यूरो का पैकेज है ईयरली तो अगर आप इंटरनेशनली जा रहे हैं और आपका अगर रिज्यूमे ड्राफ्ट किया जाए जिसमें आपके स्किल सेट में IFRS और US gap को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए और मैं एक बात और यूएसिफिकली रिज्यूमे भी रीड्राफ्ट है तो करवाते हैं और उस रिज्यूमे में स्पेसिफिकली उसके स्किल सेट में आईएफआरएस और यूएस गैप को कराते हैं और फिर वो रिज्यूमे इतनी जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है और उनको काफी अच्छी सैलरीज मिल पाती है तो यूएस गैप अमेरिकन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा और अमेरिकन कंपनीज की जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है मतलब आप ऐसी कौन सी कंट्री जहां पे अमेजोन नहीं होगा फेसबुक नहीं होगा ट्विटर नहीं होगा वॉलमार्ट नहीं होगा या बिग फोर नहीं होगी तो डेफिनेटली यूएस गैप इसलिए आपको क्या है बेनिफिट होने वाली सर ये तो आपने हमको एक ब्रीफ बेनिफिट्स एंड इसके आगे हमको क्या वैल्यूज प्रोवाइड हो सकती है वर्ल्ड वाइड आपने हमको ब्रीफली बता दिया बट अगर मैं पूछूं जैसे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स बी कॉम स्टूडेंट्स के अलावा कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी होते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि इनका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है एज वेल एज जो हमारा इंस्टीट्यूट है ए के पी आई एस वो उनको किस तरीके से हेल्प करेगा उनके एग्जाम को क्लियर करने में निकिता देखिए आपने पूछा एग्जाम पैटर्न देखिए सबसे ब्यूटीफुल बात तो ये है एक पेपर देना और साल में दो एग्जाम होती है जून में इसकी एग्जाम होगी और दिसंबर में इसकी एग्जाम होगी तो आप सोचिए एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज देता हो आईएफआरएस और यूएस गैप की एक एग्जाम आप पास कर लीजिए जून में और दिसंबर में इसकी एग्जाम होती है और सबसे अच्छी बात कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होती है और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत डिटेल सिलेबस नहीं है

हम आपके इंटरप्रिटेशन को इंप्रूव करते हैं बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट को सिखाते हैं तो जब आपका बेसिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आप इस एग्जाम को पास कर लेते तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात एक क्वेश्चन आता है कंसोलिडेशन का कि किस तरीके से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो ट्वेंटी फाइव मार्क्स का आता है तो हंड्रेड मार्क्स का पेपर होगा आपका उसमें आपको कंसोलिडेशन आएगा ट्वेंटी फाइव मार्क्स का पासिंग मार्क्स होती है फिफ्टी तो परसेंट तो एक क्वेश्चन 100% आना कंसोलिडेशन और आपको मैं मैं एक बात बताऊं क्लास में पहले कंसोलिडेशन के आपको बेसिक भी, भी पढ़ाएंगे और पिछली की के बहुत सारे अच्छे से पढ़ लिया ट्वेंटी उसके बाद कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जैसे लीज आई एफ आर एस सिक्सटीन आई एफ आर एस फिफ्टी रेवेन्यू रिक्नेशन उसके बाद में इंप्लॉई बेनिफिटीन आई एस टू आपको बता दिया शेयर बेस्ड पेमेंट है तो डेफर टैक्स है ऐसे कुछ अराउंड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया और हमारी बताई प्रोसेस को फॉलो कर लिया और कंप्यूटर पे एक्सेल पे हम आपको बैलेंस शीट बनाते रेगुलर हम आपके मॉक टेस्ट लेते पास के क्वेश्चन कराते तो आप इस पेपर को डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करेंगे और बिलीव मी ये एक एग्जाम आपकी पूरी जिंदगी को चेंज करने चेंज कर सकते वन पेपर वन एग्जाम सिक्स मंथ की स्टडी और मैं कहूं सिक्स मंथ भी नहीं सही तरीके से अगर आप डेडिकेशन से फोर मंथ भी पढ़ लेते हैं, तो आप इस एग्जाम को पास कर लेंगे और आपकी रिज्यूमें क्या मेंशन होगा पता सर्टिफाइड आई एफ आर एस प्रोफेशनल और ये सर्टिफिकेशन ये जो डिप्लोमा है ये आपको मिलेगा ए की बॉडी से तो एग्जाम पैटर्न भी काफी फ्लेक्सिबल है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है साल में दो बार एग्जाम होती है तो डेफिनेटली आप इसको बहुत आसानी से पास कर सकते सर ये तो आपने हमको एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा बता दिया बट अगर इसका एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना होता होगा निकिता आपको जान के हैरानी होगी कि आई एफ कैसा प्रोफेशन है जो सबसे कम कॉस्ट में हो सकता है जितने भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आप कंपेयर कीजिए चाहे इंडिया का सीए, सीपीए करें यूएस ए करें यूएससीए में इनरोल्ड एजेंट आई एफ आर एस एक पेपर लेता है एक पेपर की एग्जाम है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है जो एट्टी नाइन पाउंड होती है और एग्जामिनेशन फीस होती है वन ट्वेंटी थ्री पाउंड मतलब एग्जाम का जो एक्सपेंडिचर है वो उसके बाद आप आप कोचिंग फीस डिपेंड करती है कि किस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रहे हैं बिकॉज हम तो आपको एस भी प्रोवाइड करेंगे हम आपको यूएस गैप भी देंगे और एक और इंपॉर्टेंट बात हम आपको एक क्विक बुक सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्विक बुक सॉफ्टवेयर आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते जैसे अभी आपने यहाँ पे वर्ड का यूज किया क्विक बुक

बिजी सॉफ्टवेयर ऐसे ही क्विक बुक ऑनलाइन अमेरिकन कंपनीज के द्वारा यूज किया जाने वाला बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर और इसकी भी ट्रेनिंग हम आपको आईएफआर और यूएस गैप के साथ में प्रोवाइड करते हैं तो सोचिए है, अगर आपके पास क्विक बुक का नॉलेज है आप किस आप इमेजिन करके देखिए जब आपका रिज्यूमे है उसमें के, सिंपल प्लेन बीकॉम लिखा है कि आपके पास केवल बीकॉम और वही एक पर्सन आईएफआर सर्टिफाइड प्रोफेशनल यूएस गैप सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्विक बुक प्रो एडवाइजर का सर्टिफिकेशन उसकी भी एग्जाम होती है तीन घंटे की विदाउट एनी कॉस्ट आपको इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट जाके एग्जाम देनी होती है हम आपको एलएमएस प्रोवाइड करते हैं उसकी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एक ही कॉम्बिनेशन में आपके रिज्यूमे में तीन क्वालिफिकेशन आ जाती है तो आई एफ आर एस यूएस कैप और क्विक बुक फिर आप बताइए आपको जॉब कैसे नहीं मिलेगी आज मेरी एक स्टूडेंट है जो साउथ कोरिया का काम कर रही है अपने घर पे बैठ के हाउस वाइफ है वो उनके दो छोटे बच्चे हैं साउथ कोरिया की कंपनी में काम कर और आपको पता है है? उनका उनका पैकेज पैकेज क्या एट हंड्रेड डॉलर डॉलर उनको पा रही है तो मतलब सोचिए अराउंड पर मंथ पर अप्रोक्स हो जाता है कुछ टैक्स वगैरह उनका है, 60, 70, 60 के आसपास कन्वर्ट करके उसमें आता है और ये उनके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी उनको हमने क्विक बुक की ट्रेनिंग प्रोवाइड की साथ में की यूएस गैप उन्होंने हमसे ट्रेनिंग ली आईएफआरएस वो वो नहीं करना चाहती थी बिकॉज केवल अमेरिकन कंपनीज में जॉब चाहती थी तो साउथ कोरिया में एक बिलिंग डिपार्टमेंट है जो हम बच्चों को प्लेसमेंट भी कराते हैं उसमें तो इस तरीके से उनको काफी बेनिफिट मिला है तो ये तीनों कॉम्बिनेशन एक बीकॉम स्टूडेंट को काफी हेल्प कर सकता है तो हम आपको

तो हंड्रेड मार्क्स की पेपर में फिफ्टी परसेंट लेके आना है। अभी आप हमारे चैनल पर इंटरव्यू देख सकते हैं मोहम्मद है उनको ग्यारह साल गैप हो गया था स्टडी वो उन्होंने पास की एक हाउस वाइफ है जिनका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं उनको भी बारह साल में स्टडी आप हमारे चैनल पर उनके इंटरव्यू सुन सकते हैं तो हम आपको एक तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मैंने आपको अभी सीरीज बताई पीछे उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप पास हो जाएंगे और डेफिनेटली मैं व्यूअर्स को कहूंगा एक सब्जेक्ट

टॉक विथ योर सेल्फ आप अगले पांच साल अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री को अचीव नहीं करते कुछ नहीं करते क्या आप कभी भी एक मल्टी नेशनल बड़े नहीं है क्या आप केवल थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड की जॉब के लिए स्ट्रगल करना चाहें आज कितना ले ऑफ हो रहा है और एक और बात मैं आपको कहूंग जो है वो ग्लोबलाइज हो चुका है बहुत सारा वर्क इंडिया में आउटसोर्स होकर आ रहा है तो बीकॉम स्टूडेंट दिस इज द करेक्ट टाइम अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में अपने करियर को बनाना चाह रहे हैं, Iofs, US Gap और बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेस देन सिक्स मंथ में आप उसमें चेंज लेकर आ सकते बस आपको अपने साथ एक कमिटमेंट देना होगा कि सर हम सिक्स मंथ अच्छे से स्टडी करेंगे इस आई के सर्टिफिकेशन को पास करेंगे और एक सर्टिफाइड आई प्रोफेशनल के डेजिग्नेशन को अचीव करेंगे और फिर देखिए आपकी जिंदगी में एक प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो Thank you so much, sir, for your precious time once again, and thank you so much to our viewers for watching this podcast till the end. If you have any further queries regarding the set courses, then please don't hesitate to contact us at below mentioned details. We will be happy to address all your queries. Thank you so much. If you really like the video, then don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel for more such informative podcasts.